बता यार, सिम काट दे रहा हूं। जाना तरुण जट प्रज्योत से मिला, मुझे पसंद नहीं है। क्यों भाई, रीजन होगा? क्यों पसंद नहीं है? उसने किसी को ठोका था ना? किसको ठोका नहीं था, उड़ाया था, उड़ाया था। एक्चुअली क्या है, इट्स जस्ट अ एक्सीडेंट। अभी तो किसी को मार दे फिर देखियो, फिर जाके तो क्या जानबूझ के मारा है? कोर्ट में बोलियो, फिर ये बात जानबूझ के मारा है कोर्ट में बोलियो, कोर्ट में बोल देंगे। गाइस पहली बार अपने ब्लॉग में भाई साहब भी अपने GoPro से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आई डोंट नो कैसा आ रहा है। एक्चुअली क्या है, मैंने कैमरा की सेटिंग कह रहा हूँ, सेटिंग नहीं करी है अभी तक, तो क्वालिटी का पता नहीं है, बिकॉज इसमें क्वालिटी का भी बहुत डिफरेंस आता है कि HD, सुपर HD, 4K, 8K में बनानी है, किस में बनानी है। तो ठीक है, अभी पता नहीं कौन सी उसमें बन रही है। तो अपन को बहुत जल्दी हो रही है, सोनाली और मैं साथ में ही है, और वाइड एंगल भी मैंने ऑन नहीं कर रखा है इसका, इसलिए सिर्फ मैं नजर आ रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि तरुण मानेसर से आ रहा था, उसकी लेट नाइट पार्टी थी, कुछ बुक वगैरह किया था फार्म हाउस वगैरह, तो वहाँ से उसने बोला था 9:30 बजे आऊँगा, बट 9:30 बजे आया नहीं है, अभी 11:30 हो गए हैं, आधा घंटा और बचा है 12 बजने में, इतने में भावना के भी हाफ डे हो जाएगा। तो अपन जा रहे हैं फटाफट भाग के गाड़ी में केक लेने जा रहे हैं, उसके बाद रोज पेटर्स भी लेने हैं और भी दो चार चीजें लेनी है। फटाफट लेते हैं, फटाफट आते हैं, फटाफट छुपाते हैं, फटाफट निकलते हैं। तो ठीक है, भावना का आने का टाइम है, बट भावना तरुण अभी पीतमपुरा पहुंचा था। इतना झूठा है ना, एक नंबर का झूठा है। कब से उसने 8 बजे से बोला हुआ निकला हुआ, अभी तक उसका पहुंचा ही नहीं है। तो आप ठीक है, टाइम लग जाता है मानेसर से, बट वो गलत टाइम पे निकला है, उसकी वो गलती है, उसने बोलता 6 बजे निकलूंगा बट वो निकला नहीं। तो ठीक है, ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, भावना को राजीव गांधी से पिक करना है, फटाफट केक खरीदते हैं और फटाफट घर पहुंचते हैं। ठीक है गाइस, अपन केक पे लिखवा रहे हैं मिस्टर एयरटेल और नीचे लिखवाएंगे BBF। हम जा रहे हैं रोज पेटल्स लेने, उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हम जब हाई, पहले तो भैया ने बोला कि आधे घंटे तक ही जो केक है फ्रिज में रख देना, फ्रिज में रखने के बाद वो आधे घंटे तक ही चलेगा, फिर हम देखते हैं कहीं हाईवे पे आधे घंटे तक कितना जो वो है कवर कर ले रास्ता, उसके बाद हम रुकेंगे। रुकने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम तरुण को वॉशरूम के बहाने से नानू या तन्वीर लेके जाएगा, इतने में भावना और मैं जो गाड़ी का बोनट होता है वो हम उससे रोज पेटल से डेकोरेट कर देंगे, फटाफट तैयार कर देंगे केक, उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। भाई गए रोज पेटल्स लेने, वो देखो आपको ज़्यादा वह दिख रहा होगा, और रोज पेटल्स लेते हैं। राजू, ये हमारे राजू भैया है जिससे हम माला वाला फूल वूल ये सब लेते हैं, ये बहुत फेमस भी है, और उसके वो ठीक है गाइस, अभी बाल सेट नहीं है। एक्चुअली क्या है, फटाफट है ना डिक्की में इसका केक एंड गिफ्ट रख रहा हूँ। ठीक है गाइस, अपन निकल चुके हैं और भावना मिलेगी अपन को रोहिणी वेस्ट। ठीक है, लेट हो गए हैं, वो मैं काट दूंगा। बोल इसको देख कैसे खा रहा है ये। अच्छा भेलपुड़ी पन्नी में डाल के, ये देख। ए भगवान, ए भगवान, जयकारा शेरावाली मैया जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। अब बोल लगा दे, जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय, मां दे प्यार दी जय। तो ठीक है गाइस, अपन निकल गए हैं फाइनली, अच्छे अच्छे से जाएं, अच्छे अच्छे से आएं, और मुझे वाइड एंगल जो है ऑन करना पड़ेगा बिकॉज मैं बहुत पास में दिख रहा हूँ। तो फटाफट जल्दी पहुंचते हैं रोहिणी वेस्ट, भावना को पिक करते हैं एंड फटाफट निकलते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, हमारा जो है लंच जो है निकल चुका है वहाँ का, तो तरुण ही खिलाएगा जहाँ भी खिलाएगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने अभी भेलपूड़ी बनाई थी, किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले भेलपूड़ी मैं बनाता हूँ, तो तरुण ने टेस्ट करी एंड तनवीर ने टेस्ट करी, तनवीर को तो इतनी ही लगी बट तरुण एक्चुअली क्या है ना, हम पंजाबी लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं, असि पंजाबी हाँ, ये तो पहाड़ी है ना, ये खुद तो ये तो पहाड़ी है, पहाड़ियों के कर रहा है सुबह से भाई साहब। अरे सुनो ना, 2 बाइट भेलपूरी खाई है और डेढ़ बोतल पानी पी गया है। ये भंडारे में से लेके आया भेलपूरी, देख तो ले इसको। कौन सी वाली भेलपूरी? थैली में मिलता ना भंडारा, वो नहीं। हाँ मतलब जो मैंने भेलपूरी बनाई थी ना, वो भंडारे की तरह इसने पन्नी में डाल ली, आदत है ना बचपन वाली, वो जाएगी नहीं। वहाँ से मत डाल के लाइयो, पन्नी में।
ठीक है गाइस, अभी एक न्यूज बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि भावना मैडम है ना, हर हर जगह सीन करती है जहाँ भी जाना होता है। भाई साहब मॉर्निंग ड्यूटी तुम्हें करनी है, तुम करो, बट यार एटलीस्ट अपने कपड़े तो लेके चलो। मतलब खाली हाथ उठ के आ रही है ड्यूटी करने और हम मेरे से बोल रही है कि भाई मेरे लिए क्या इतना एहसान नहीं चाहिए, इतना एहसान नहीं चाहिए। अभी बोलेगा तुझे भी उतार दूंगा, साइड लेगा ना उसकी भावना की, अभी बोलूंगा तुझे भी उतार दूंगा। मुझे ना जब वहाँ घुस जाए अपना मथुरा में, क्यों तो ठीक है। एक्चुअली क्या है, भावना कुछ लेके नहीं आई थी, उसने बोला कि तुम मेरे लिए कुछ रख लो, तो घर पे मतलब सुना ले गए कपड़े रख लो, तो ठीक है अब देखते हैं जो कपड़े रखे हैं उसको आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी यू नो, तो ठीक है सॉरी भावना, तो ठीक है चलते हैं, यूनिटी वन खड़ी है, फटाफट पिक करते हैं और फटाफट निकलते हैं। बता यार सिम कार्ड लेना, बता जाना करूं जट प्रजोत से मिला, मुझे पसंद नहीं है। क्यों भाई रीजन हुआ, क्यों पसंद नहीं है? उसने किसी को ठोका था ना, स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ उसको, तो उसको गलती से उसका एक्सीडेंट हो गया था, जानबूझ के नहीं मारा था उसने, बट तरुण से इसकी वो एक मर्डर है अपने ब्लॉग में भाई साहब भी आ रहे हैं, ये देखो लेट लतीफ को। चल ठीक है पंकज बाय। तेरी तो कल भी पेमेंट हो रही थी जब सुना ली थी, और आज भी पेमेंट हो रही थी। ठीक है गाइस, भावना आ चुकी है मूड खराब करके, बट ठीक है अभी ठीक हो जाएगा मूड, और मौसम बहुत ही ज्यादा सेक्सी हो रहा है। तू भी वाइट पहन कर आया है, ये कल भी कॉम्बिनेशन में थे आज भी कॉम्बिनेशन में। ठीक है भाई साहब निकल गए हैं, अभी ये सब बातें तो चलती रहेंगी पूरे रास्ते पर, फटाफट स्पीड पकड़ते हैं एंड स्पीड से पहुंचते हैं। तो एक्चुअली क्या है गाइस, बात करी वो मुझे हजार रुपए का फेस वॉश छेपरी वाली वीडियो बना दे आज, वो मैं मेरे को बहुत इमेजिन करती हूँ, मतलब वो पी के वो ला ला करके बोलता है। कौन सी मैं बोलो पता नहीं क्या बोल रही है, बोला अच्छी वीडियो में खा लेते हैं सब, शर्ट पे गिर गया, बहुत मिर्च डाल के इसमें, उसमें मिर्च नहीं है, उसमें मीठापन है, ये मिर्च मिर्च मैं अपना लेके चल रहा हूँ, उनके लिए खाएगा तो जिसको खाएगा मैं अपना लेके चल रहा हूँ, ये देखो कैसे लेके चलता है, रात का बचा हुआ है, बताओ वो लेके आया, मतलब करता है रोड सीधा सीधा है, रोहिणी सेक्टर 16 का टेढ़ा मेढ़ा है, सांप है, 5 किलोमीटर दूर है ना, जब खड़े आ ट्रैफिक नहीं होता। मैं बता अभी किसको रहा हूँ, देखो ये है, ये उसमें खा रही है डिब्बे में भेलपुरी, और ये देखो गरीब इंसान, घर में प्लेट सामान लेके आया ना, के साथ गिलास, अच्छा लग रहा है ना घर में। नेहा तू व्लॉग देख रही है, कौन नेहा, जानता है तू इसकी बहन, नेहा जानता है तू उसको, ये हमारे साथ जा रही है, जो अभी गाना बजने वाला है वो तरुण ने भावना को ट्रिब्यूट किया है, ठीक है इतना अच्छा पॉइंट मारा था ना मैंने, शक्लों मासूम शक्लों अकल दे कच्चे अकल दे कच्चे तुसी देओ जी सलाह पर जान जान नहीं बढ़ना पीछे पीछे
बच्चे हैं दोनों। देखे हैं देखे मैं बदल दे भावना को चुप करना है ना तो बस कैमरा ऑन कर दो। सुन मेरे बंदे की गाड़ी है चाहे सैंटोस उसे कोई सी हो है वो 5 सीटर बस इतना हमें पता है। जिस दिन मैं दहेज में लेके जाऊंगी उसे कैमरे में बोलूंगी कौन सी भी जाए। तरुण कह रहा है कौन सी देगा तरुण कह रहा है कौन सी देगी मैं कर लेता हूँ। पापा भी हंस रहे हैं। तरुण कह रहा है कौन सी गाड़ी दे रही है दहेज में मैं कर लेता हूँ तुझसे शादी। मैं अबे हाँ हूँ कौन सी को तो चाहिए घर वालों को मैं मनाऊँ मैं मुझे तो चाहिए नहीं ना। हाय हाय बेइज्जती अभी भी सुन ही रहा है। भावना सिर्फ कैमरे के आगे तरुण को रिजेक्ट कर रही है जैसे कैमरा ऑफ हुआ ना तो बोलेगी चल हाँ है कपड़े बोल दिए मैचिंग के पहन के आ चल हाँ है। भाई साहब पर्सनल मैसेज करके बोलती मैचिंग पहनेंगे। अब परसों भी इन्होंने ब्लैक पहना आज इन्होंने व्हाइट पहना है। नहीं नहीं ये जोक है कोई पर्सनल मैसेज नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्यों क्यों नहीं किया कॉल किया मेरे को प्रूफ दिखा कॉल किया दिखा भावना चला रही है ये हाँ और हाथ में छतरी टांग के चला रही है। हेलमेट है नहीं पापा कह रहे हेलमेट है नहीं। हेलो सबके फटे भाई इतने गट्स होने चाहिए भाई इतने गट्स होने चाहिए। क्या कह रहे तरुण है पापा मयूर विहार फेस वन ठीक है गाइस। एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा गाना 2 मिनट के लिए स्टॉप किया है रुक जाओ 1 सेकंड तरुण को आ रहा है बहुत तेज प्रेशर यूरिन का तो एक्चुअली क्या है कि तरुण को बहुत तेज प्रेशर आ रहा है। मैं गड्ढू में जैसी गाड़ी जाती है ना तो उसको थोड़ा सा यू नो व्हाट आई मीन कह रहा हिलता है पानी हिलता है तो फिर बबल्स आते हैं तो सब प्रेशर बन जाता है। ओ भाई एक्चुअली क्या है कि मैं ना गाड़ी रोक नहीं रहा हूँ जानबूझ के और थोड़ा तेज इसलिए चला रहा हूँ ताकि तरुण का प्रेशर नहीं पड़ेगा साफ तू ही करेगा यहाँ पे तरुण तो कर देगा यहाँ पे डायपर पहना उसको बस को पेन से पेशाब करने आता है यार। अबे बस को पेन कहाँ खाई है उसने बीकासुल खाई है यार ये भगवान यार बीकासुल खाई है इसने भाई पानी पिया है मैंने अबे आर्टरी में चले आएगा भाई मेरे जल्दी कर आर्टरी में बोल भावना क्यों बोलता है क्यों भी भावना के वर्ड्स नहीं उसके एक्सप्रेशन बोल दे मतलब देखा सबके मुंह से कैसी आवाज निकाली है। दो मिनट में इधर होता है 2 मिनट में उधर होता है। अबे ये तो है ही बैंगन नहीं है ये बैंगन नहीं है बिन पेंटे का लोटा है ये मम्मी से कह दूंगा बचपन इतना नहीं डीए पार्क में हम मिलते हैं मानता नहीं है दिल तेरे लिए हर पल लाया तेरे इश्क जो मान जाना यार एक्चुअली सारे ना ऐसे हो गए थे कर्व टाइम था ना इसलिए ठीक है बॉस अपन पहुंच गए अपना एक्सप्रेस हाईवे और यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हमारे बहुत सारे गाने यादगार हैं। तनवीर को भी याद आ जाएगा एक तनवीर कौन सा गाना था गदर 2 अबे गदर 2 का नहीं वो वाला जो गाना बजाया था यहाँ पे हमने अच्छा वो बर्बादियाँ ये वाला ठीक है लास्ट वृंदावन जब गए थे मैं भावना और तनवीर तो हमने ये गाना बजाया था ऑलमोस्ट पूरे रास्ते तो थोड़ी सी यादें आ जाती है ना कोई गाना होता है तो वो सुन के लास्ट मेमोरी याद आ जाती है तो ठीक है एक गाना बजाते हैं एंड एक तो भाई साहब इस हाईवे पे चलाने का एक अलग मजा है ना पापा हाथ थोड़ी चला सकते हैं क्रूज कंट्रोल है गाड़ी में बट यूज नहीं करेंगे Thank you.
बोल ठीक है गाइस, अपन यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंचे थे, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है हमने तरुण को ना तनवीर के साथ भेजा है जानबूझ के। तनवीर टॉयलेट के बहाने गया है, तरुण को लेके गया है, और ये जब तक सारे फूल वगैरह निकाल के इस पर सजा देंगे। एक्चुअली क्या है, जल्दी करना। एक्चुअली क्या है, हमने ना जो रोज़ वगैरह लिए थे सुबह जो रोज़ लिए थे वो हम लाना भूल गए जल्दी के चक्कर में। जल्दी के चक्कर में रोज़ लाना भूल गए, तो यहीं से फटाफट फूल तोड़ रहे हैं, सजा रहे हैं गाड़ी को, एंड केक रखेंगे और फटाफट कट करते हैं और फटाफट पहुंचते हैं। जल्दी करो बे। एक्चुअली क्या है, तरुण चुपके मुझे देख रहा है। चलो स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तरुण, हैप्पी बर्थडे टू यू, ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे तरुण, हैप्पी बर्थडे चित्रा। भावना हंस रही है। मैंने बोला माचिस है यार, तरुण तनवीर माचिस है, जेब में चेक कर रहा है, फिर चेक कर रहा है, अबे माचिस मेरे पास क्यों होंगी। डर गए। अबे गाना नहीं चलाया। ठीक है गाइस, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक्चुअली हालत सबकी सारा ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी बाहर निकल के, एक तो ह्यूमिडिटी है और ऊपर से केक वेक के लग गए थे, और भावना के नए शूज़ पे थोड़ा सा केक लग गया, बट ठीक है साफ हो गया वो, ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअली वाइट है ना, थोड़ा सा वो दाग छोड़ जाता है। ठीक है फटाफट चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं, फटाफट तो बोल रहा हूँ सुबह से बट पहुँच नहीं पा रहे हैं फटाफट। ठीक है गाइस, ये रही हमारी जमुना जी, जो कि हमारे वहीं से आ रही हैं, शास्त्री पार्क से आ रही हैं। एक्चुअली क्या है, बहुत साफ हो गई है हमारे वहाँ भी और यहाँ भी, बस ये है कि थोड़े टाइम बाद दोबारा से गंदी करने लग जाएंगे लोग। ठीक है, यहीं से ही सारी जमुना जी आगरा जा रही हैं, ताजमहल के पीछे से निकलेंगी, और अपन पहुँच गए हैं वृंदावन ऑलमोस्ट, बस रिजॉर्ट का दिखा रहे हैं हाफ एन आवर, फटाफट पहुँचते हैं। भावना को भूख लग रही है, उसको स्नैक्स खाने थे बट मैंने उसको रोक लिया बिकॉज एक्चुअली क्या है कि ना वहाँ जाके डायरेक्ट खा ही लेंगे ना, अभी इसको खिला देंगे या चिप्स खा लेगी ना फिर इसको भूखने लगेगी, इसलिए फिर मैंने जानबूझ के नहीं रोका। ओए ओए मैं आ गई, मैं रेवड़ 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 है गाइस, पता नहीं कहाँ आ गए हैं, लोकेशन पता नहीं कहाँ कहाँ से दिखा रही है, और सारा का सारा कच्चा रास्ता चल रहा है, ठीक है गाइस, अपन पहुंच गए हैं रिजॉर्ट में, चेक इन कर लिया है, एंड सारे के सारे पीछे आ रहे हैं और तरुण आगे गया है, अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ठीक है, 19 या 20 नंबर दोनों शायद मिले हैं हमें, तो फटाफट चलते हैं अंदर एंड फ्रेश होते हैं, पूल में जाने का टाइम है, तो अगर पूल में चलेंगे तो पूल में चल लेंगे, नहीं तो पहले खाना होगा तो खा लेंगे, जैसा भी होगा आगे दिखा देता हूँ। चलो अंदर एंटर करते हैं।
तो ये है अपना बाहर का कुछ ऐसा स्पेस, रूम एक्सप्लोर करवाएंगे आज। ये अपना कॉटेज है, वो आ रहे पापा और तनवीर, और ये भाई साहब हमारे, काट दूंगा। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी।